दोस्तों, अगर आप गूगल पे को यूज़ कर रहे हैं और वहाँ पे आप बैंक अकाउंट ऐड करने जा रहे हैं या आप अपना बैंक बैलेंस चेक करने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ इस तरह का रिवर आ रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ बोला जा रहा है कि आप अपने सिम कार्ड या आप अपने फ़ोन को फ्लाइट मोड में डालें और उसके बाद वापस से रिस्टार्ट करें और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट मैं आपको बता दूं गाइस कि आप अपने मोबाइल को फ्लाइट मोड में डालें या स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें, कुछ भी करें, तो भी आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली। और कैसे सॉल्व करना है इसके लिए आपकी इस वीडियो को लास्ट तक देख लें है। लेकिन आप सभी के लिए खास ऑफर मैं बता देता हूं कि अगर आप गूगल पे को यूज करते हैं तो आप इस वीडियो को देखते देखते 21 रुपए का फ्री में कैशबैक पा सकते हैं। हाँ गाइस, एक नहीं सभी को मिलने वाला। वो कैसे? तो इसके लिए आपको अपने फोन पे गूगल पे ऐप को अनइंस्टॉल करना है और मैंने आपको एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, आप उसमें जैसे क्लिक करेंगे आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर चले जाएंगे और वहां से आपको वापस से गूगल पे को इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे गाइस, वैसे ही आप अपना जो कि नंबर वगैरह डाल के लॉग इन वगैरह कर लेना और आपको बूम करके 21 रुपए का बोनस मिल जाएगा। वो कैसे मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको पहले यहाँ से बैंक अकाउंट ऐड करना है और उसके बाद आप अपने दोस्तों को या किसी को भी 1 रुपये जो कि पे कर दीजिए और डायरेक्टली आपको 21 रुपये का फ्री कैशबैक जो कि बोनस मिल जाएगा। तो चलो गाइस, ये तो बात हो गई ऑफर की, आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं या नहीं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आज की वीडियो का जो टॉपिक है, हम अपने गूगल पे बैंक अकाउंट को कैसे ऐड करें, वो आज की वीडियो में सीख लेते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आकाश, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। चैनल पर दोस्तों पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड सब्सक्राइब करेंगे तो नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर प्रेस करिएगा। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखें, मोबाइल के स्क्रीन पे आ चुके हैं और सिंपली यहाँ से मैं अपना गूगल पे को ओपन करता हूँ। ओके गाइस, तो गूगल पे को ओपन करने के बाद मैं आपको फिर से स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ कि आपको भी कुछ इस तरह का प्रॉब्लम आ रहा है बैंक अकाउंट ऐड करने में, तो ध्यान से देखते रहिए, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपको मैं एक बार फिर से याद दिला देता हूँ कि अगर आपको 1 रुपये का फ्री कैशबैक चाहिए, फ्री बोनस चाहिए या फ्री कैश चाहिए, तो आपको इस ऐप को इंस्टॉल करके दिए गए लिंक से आपको डायरेक्टली इस ऐप को वापस से इंस्टॉल करना है। और इंस्टॉल करने के बाद जो हमारा प्रोसेस होता है, जैसे कि यहाँ से आप देख सकते हैं, यहाँ से मोबाइल नंबर टाइप करने के लिए बोला जा रहा है, तो यहाँ से मैं सिंपली अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ। मोबाइल नंबर टाइप करने के बाद नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, सिंपली हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट में क्लिक करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू का ऑप्शन मिलता है, इसमें हम क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ये वेरीफाई होगा, होने के बाद हम अपने गूगल पे से लॉग इन हो जाएंगे। अब यहाँ से गाइस देखो, कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा। यहाँ से आप अपना स्क्रीन लॉक लगा सकते हैं, यहाँ से आप एक अपना पिन चूज कर सकते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ से आप अपना एक पिन बना लीजिए। अब पिन बनाने के बाद गाइस आपका डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा और ओपन होने के बाद फिर यहाँ से हम बैंक अकाउंट ऐड करेंगे और देखते हैं कि क्या वो रिवर आता है या नहीं और इस रिवर को हम कैसे फिक्स करेंगे। तो यहाँ से न्यू पेमेंट का ऑप्शन मिलता है, आप इसमें क्लिक करेंगे। इसमें क्लिक करने के बाद वगैरह वगैरह यहाँ से आपको पेश करने के लिए बोला जाएगा। तो चलो गाइस, हम आपको बता देते आपको करना क्या है, क्योंकि मेरा ये जो प्रॉब्लम था वो मैंने सॉल्व कर लिया है और मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो जो कि रिकॉर्ड किया था, लेकिन वो मुझसे गलती से फॉर्मेट करना पड़ा मोबाइल और वो वीडियो रिकॉर्ड जो हुआ था वो डिलीट हो चुका है। गाइस ये प्रॉब्लम आपको इसलिए आती है क्योंकि कि आपका जो नंबर बैंक अकाउंट से लिंक होता है उस नंबर पे आपके बैलेंस नहीं होता, जो कि अनलिमिटेड प्लान होता है। जैसे कि जियो का सिम यूज करते तो 1 महीने का 199 रुपए का जो प्लान होता है। कहने का मतलब ये है गाइस कि हमारे फोन पे या हमारे सिम कार्ड पे जो कि SMS चार्ज जो भेजने का जो पॉइंट होता है, जो पैसे होते हैं, वो नहीं होता। तो इसलिए गाइस आपकी ये प्रॉब्लम आती है। अगर आप यहाँ से ऐड करने जा रहे हैं तो आपको अपने SMS में आपको कुछ इस तरह का रिवर देखने के लिए मिलता है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, जो कि आप अपने गूगल पे से जो कि बैंक अकाउंट ऐड करते हैं, तब ये मैसेज आपके बैंक अकाउंट पे जाता है और वहां पे जाने के लिए आपके पास बैलेंस नहीं होता, इसके लिए मैसेज आपके बैंक अकाउंट पे नहीं जा पाते और इसलिए आप लॉग इन नहीं हो पाते। तो सिंपली गाइस मेरे अकाउंट पे जो कि मैंने बैलेंस जो कि रिचार्ज कर लिया था और काफी अच्छी वीडियो मैंने आपको बताई थी, डिटेलिंग वीडियो बनाई थी, लेकिन तो भी यार ज्यादा कुछ है नहीं। आपको क्या करना है, आपका जो भी सिम कार्ड बैंक अकाउंट से लिंक है आपको उसमें जो कि रिचार्ज कर लेना और उसी से नेट यूज करना है। ठीक है गाइस, उसी से नेट यूज करना और सिंपली फिर आप नीचे लेने के बाद यहाँ से अकाउंट बैलेंस का क्लिक कर देंगे। इसमें क्लिक करने के बाद ऐड बैंक अकाउंट का ऑप्शन मिलता है, इसमें क्लिक कर देना। इसमें क्लिक करने के बाद जो भी आपका बैंक अकाउंट है, स्टेट बैंक वगैरह वगैरह, तो आप यहां से अपना वो सेलेक्ट कर लेना। तो मेरा यहां से SBI का, तो मैं इसमें क्लिक करता हूं और परमिशन मांगे, परमिशन को अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद यहां से आपको कुछ इस तरह का ऑप्शन मिलेगा, तो कंटिन्यू पे क्लिक कर देना, परमिशन मांगे, परमिशन अलाउ कर देना और डायरेक्टली गाइस यहां से वेरीफाई होगा और यहां पे ही आपको प्रॉब्लम आती है। यहां पे ही प्रॉब्लम आपको आती है। देखिए गाइस, यहां से आपको कुछ इस तरह का जो कि प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रहा है, किस लिए आ रहा है, क्योंकि गाइस जो मेरा सर्वर है, जिस सिम से मैं अभी नेट को यूज कर रहा हूं, ये नंबर मेरे बैंक अकाउंट से लिंक नहीं है। तो अगर आपको ये प्रॉब्लम आती है तो ध्यान रखें कि आपको उसी सिम कार्ड से लॉगिन करना है जिस सिम कार्ड पे आपका बैंक अकाउंट लिंक है। तो इसीलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से अपने इंटरनेट सेटिंग पे जाता हूँ और मेरा 2 नंबर पे वो सिम पड़ा, तो मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ जो मेरा बैंक अकाउंट पे लिंक है। अब उसके बाद मैं इसे बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद वापस से हम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पे क्लिक करते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से वेरीफाई नंबर होगा
और यहाँ से वेरीफाई नंबर होने के बाद अब हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि गाइज मेरे इस सिम पे नेटवर्क जो डाटा होता है वो खत्म हो चुका है नेटपैक, तो भी जियो में जो कि 10-15 KB चलता ही रहता है, तो चलो वेट कर लेते हैं। बस बोलते बोलते देखो यहाँ से ऑप्शन आ चुके हैं, तो सिंपली यहाँ से मेरे नंबर पर दो बैंक अकाउंट जो कि ऐड है, तो यहाँ से मैं अपना एक बैंक अकाउंट यहाँ से लिंक कर लेता हूँ जो कि चूज कर लेता हूँ, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद काफी इजिली हमारा बैंक अकाउंट हमारे गूगल पे पे ऐड हो जाएगा। हमारा बैंक अकाउंट ऐड हो चुका है, ऐड होने के बाद सिंपली हम यहाँ से बैक हो जाते हैं। बैक होने के बाद अगर मैं वापस से यहाँ से वी अकाउंट बैलेंस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से हमारा जो कि कोई भी जो कि बैंक अकाउंट ऐड करने का प्रोसेस नहीं मांगे। तो इस तरह गाइस अगर आपकी प्रॉब्लम थी कि आप अपने बैंक अकाउंट को अपने गूगल पे नहीं ऐड कर पा रहे थे, तो आप इस तरह ऐड कर सकते हैं। और मैंने आपको बोल दिया कि अगर आपको 21 रुपये का फ्री बोनस चाहिए तो आप मेरे दिए गए लिंक से इस ऐप को इंस्टॉल कर लेना। आप देख सकते हैं यहाँ से आपको ये एक रिफल वाला ऑप्शन है, और आपको इस रिफल कोड को भी यूज कर लेना अगर आपको रिफल कोड वगैरह मांगे। आप यहाँ से 21 रुपये का फ्री बोनस पा सकते हैं जो कि हर एक व्यक्ति पाएगा, एक नहीं हर एक व्यक्ति पाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ऐसी वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आएगी तो कमेंट्स करके जरूर बताना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।